इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु प्रबोध सागर जी भक्त परिवार, श्रीमती मीना विजय कुमार जैन किशनगढ़, श्रीमती मीनल आलोक कुमार जैन मुंबई, श्रीमती प्रीति सौरभ जैन, स्वस्ति जैन सिद्धि जैन पुणे, प्रशांत जैन मुंबई, खुशाल जैन सीए मुंबई, जितेंद्र जैन, शशांक जैन, शैलेश जैन, प्रतीक जैन, अखिल जैन, शुभम जैन मुंबई। जय जिनेंद्र। दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रबोध सागर जी महाराज जैन धर्म के एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने संयम और त्याग से आध्यात्मिक मार्ग को अंगीकार किया और घर घर जैन धर्म को पहुंचाने का संकल्प लिया। उनका आचरण, उनका व्यवहार और उनका व्यक्तित्व किसी विशेष पहचान का मोहताज नहीं। वे स्वयं तत्व हैं और साकार उद्देश्य भी वही है। वे स्वयं में एक ऐसी शिला है जो अपने व्यक्तित्व से धर्म के आधार को स्पष्ट करती है, जिनका बिछौना ये धरती है और ओढ़नी समस्त आकाश है, जिनकी चर्या धर्म के आचरण का आईना दिखाती है, तो संयम उत्तम जीवन का परिदृश्य। तो आइए दर्शकों, देखते हैं ऐसे महान व्यक्तित्व की प्रेरणादायक जीवन यात्रा। 19वीं शताब्दी का सातवां दशक सन 1974 दिनांक 30 जुलाई को मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मां नर्मदा की गोद में बसे सनावद में खुशियां सतरंगी रंग बिखेरे हुए थीं, जहां एक ओर नदी लहराती हुई कल कल ध्वनि के साथ अपने हर्ष को व्यक्त कर रही थी, तो वहीं सूरज की आभा गांव को स्वर्णिम कर रही थी। प्रकृति की इतनी सुंदर छटा शायद ही पहले कभी इस धरा पर देखने को मिली हो। हो भी क्यों ना, सनावद में एक महान संत ने जो जन्म लिया था, श्री धीरेंद्र कुमार जैन और श्रीमती सरला जैन के घर जन्मे इस नन्हे से बालक का नाम परिवारी जनों ने संदेश कुमार जैन रखा। किसे पता था कि लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा में भी रुचि रखने वाले संदेश कुमार जैन एक दिन पूरे विश्व में परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रबोध सागर जी महाराज के नाम से अपनी अलग पहचान बनाएंगे। लेकिन ये सफर इतना भी आसान नहीं था। आर्थिक परेशानियों के कारण बचपन से लेकर युवा अवस्था तक उनका जीवन संघर्षमय रहा। किसी ने सच ही कहा है कि संघर्ष की रात जितनी ज्यादा अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। इतना संघर्षपूर्ण जीवन होने के बाद भी उनके अंदर धार्मिक संस्कार बचपन से ही कुलांचे मार रहे थे। पाठशाला जाना, सामाजिक धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, मुनि आरिकाओं को आहार देना, व्रत उपवास या तीर्थ आदि करने में उनकी रुचि बढ़ती ही जा रही थी। इन्हीं सभी अभिरुचियों के चलते उन्होंने घर पर ही रहकर पुराण और ग्रंथों का अध्ययन कर अपने आध्यात्मिक ज्ञान को और वृहद कर लिया। जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में लौकिक शिक्षा ग्रहण की, तो वहीं परिवार की जिम्मेदारियों का पूर्णतः निर्वहन करते हुए अपने पिताजी के व्यवसाय में संपूर्ण सहयोग भी दिया। कहते हैं कि शास्त्रों से ज्यादा ज्ञान का प्रकाश सत्संग से मिलता है। ऐसा ही कुछ हुआ सन 1993 में, जब पूज्य आरिका श्री 105 पूर्णमती माता जी ससंग वर्षा योग हेतु सनावत में पधारी। इसी दौरान संदेश कुमार जैन ने मां पूर्णमती जी ससंग के दर्शन कर वैराग्य धारण करने का प्रण ले लिया और इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर मोक्ष पथ पर अग्रसर होने के लिए अपनी मनोज्ञ बात पूज्य आरिका श्री 105 मां पूर्णमती जी से साझा कर ब्रह्मचर्य व्रत लेने का अनुरोध किया। संदेश कुमार के मन की इस उथल पुथल से अवगत होने के बाद माता पूर्णमती जी ने उनको परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पास जाने को कहा। संदेश कुमार ने भी अविलंब परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कर उनके श्री चरणों में 9 फरवरी 1994 को सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक में ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया।
ब्रह्मचारी संदेश कुमार जैन ने लगभग 3 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के बाद 9 अगस्त 1997 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज से क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त कर ली। क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाए और 5 फरवरी 1998 को नेबावर में एलक दीक्षा, 11 फरवरी 1998 को श्री मुक्तागिरी जी में मुनि दीक्षा ग्रहण की। मुनि दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत वही संदेश कुमार जैन आज मुनि श्री 108 प्रबोध सागर जी के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य श्री गुरुवर के संघ में रहकर उन्होंने धर्म का गहन अध्ययन करते हुए धर्म प्रभावना शुरू कर दी। जन्म किसका होता है? पर्याय का। पर्यायों के द्वारा ही संसार की वृद्धि होती रहती है। इस संसार में प्राय जितने भी जीव हैं सभी दुखी और आकुलित हैं। लगता है कि सुखी है लेकिन वास्तविकता क्या है? सभी दुखी और आकुलित हैं। हर व्यक्ति की एक ही इच्छा होती है, प्रत्येक प्राणी की एक ही इच्छा है। क्या चाहता है? वो सुख चाहता है। प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। सुख की अनुभूति ही उसके जीवन का उद्देश्य होती है। संसार की जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के पीछे प्रयोजन केवल और केवल सुख है। अध्यात्म में लीन मुनि श्री प्रबोध सागर जी महाराज की आहारचर्या में काफी अंतराल होने लगा, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ गई। सन 2014 में रामटेक में उनके उचित उपचार से उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी दूरदृष्टि से मुनि श्री प्रबोध सागर जी महाराज की धर्म के प्रति निष्ठा देखकर मुनि श्री अभिनंदन सागर जी के साथ अलग संघ बनाकर जैन धर्म के प्रचार के लिए आशीर्वाद दिया। कुछ समय मुनि श्री अभिनंदन सागर जी के साथ रहने के बाद वो मुनि श्री 108 नियम सागर जी के संघ में सम्मिलित हो गए। उनकी धर्म के प्रति मनोभावना इसी से देखी जा सकती है कि स्वास्थ्य अनुकूल न होने पर भी उनकी चर्या निर्विघ्न रही और आज भी वो दृढ़ संकल्पी होकर कठिन तप साधना और ध्यान में मग्न रहते हैं। उनकी इसी उत्तमता के चलते उनके साथ कई सारे भक्त जुड़ते चले गए। भक्तों के प्रति उनका हृदय आज भी बालक की तरह मासूम है। हम सबकी यही भावना है कि आपका 49वां अवतरण दिवस हम सबके लिए मंगलमय हो। दर्शकों, भी आपने परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रबोध सागर जी महाराज के जीवन की आध्यात्मिक यात्रा के मंगलकारी दृश्यों का आनंद लिया। मुनि श्री 108 प्रबोध सागर जी महाराज अपने निष्पक्ष व्यक्तित्व, कठोर चर्या एवं संयमित आचरण के कारण समूचे समाज में धर्म प्रभावना करने वाले सर्वोत्कृष्ट संतों में से एक हैं। अपनी वाक पटुता और अद्भुत ज्ञान के धर्मावलंबियों ने उन्हें अनूठे व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया है। दर्शकों, आशा है आपको ऐसे महान संत की जीवन यात्रा देखकर स्वयं के जीवन को धर्म सम्मत बनाने की प्रेरणा अवश्य मिली होगी। अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे अन्य प्रेरणादायक प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनंद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु प्रबोध सागर जी भक्त परिवार, श्रीमती मीना विजय कुमार जैन किशनगढ़, श्रीमती मीनल आलोक कुमार जैन मुंबई, श्रीमती प्रीति सौरभ जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धि जैन पुणे, प्रशांत जैन मुंबई, खुशाल जैन सीए मुंबई, जितेंद्र जैन, शशांक जैन, शैलेश जैन, प्रतीक जैन, अखिल जैन, शुभम जैन मुंबई।